नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल दुनिया सपनों की। और दोस्तों, सपनों की इस सीरीज में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, यदि आप सपने में नहर देखते हैं या फिर नहर में पानी देखते हैं बहते हुए, तो ये सपना आपके लिए कैसा माना जाता है। सपने में यदि आप खुद को नहर खोदते हुए देखते हैं तो ये सपना आपके लिए शुभ होता है या फिर अशुभ। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस सपने का आखिर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि हम बात करें तो सपने में नहर देखना, नहर में पानी बहते हुए देखना बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। ये एक सकारात्मक सपना माना जाता है। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में आपको अचानक से धन का लाभ मिलेगा और आपके कार्यों में आपको प्रगति मिलेगी। जीवन में उन्नति तरक्की की ओर बढ़ेंगे। आपका बिजनेस, आपका व्यवसाय आगे बढ़ेगा। और यदि आप सपने में खुद को नहर खोदते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपने कार्यों को लेकर प्लान बना रहे हैं और उन कार्यों में आपको सफलता भी अवश्य ही हासिल होगी। लेकिन यदि आप सपने में सूखी नहर देखते हैं जिसमें पानी नहीं है तो ये सपना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में आपको आपके कार्यों में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, तभी आपको सफलता हासिल होगी। और यदि आप सपने में नहर में नहाते हुए खुद को देखते हैं नहर के पानी में, तो ये सपना भी अच्छे स्वास्थ्य की ओर संकेत करता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।